नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों के बारे में। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि आपके लिए यह एक अच्छी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, उसके लिए किसी भी आवेदक अपनी गाड़ी वहां ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे में अब लोगों को अपनी गाड़ी ले जाने की परेशानी से जो है झंझट से छुटकारा मिल गया है। ऐसे में अब जो बात निकल कर सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए बाइक या फिर कार कंपनी ही वह जो है गाड़ी उपलब्ध कराएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले के लिए दूसरी राहत की बात यह है कि एजेंसी उसके दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा बिहार सरकार देगी। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का संचालन करने वाली एजेंसी को परिवहन विभाग ही हर एक आवेदक के बदले 100 रुपये देगी, यानी कि विभाग भी इसका भुगतान करेगा। आवेदक को कई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बिहार में फिलहाल दो ही जगहों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक की सुविधा है, पहला पटना में और दूसरा औरंगाबाद में। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि इस तरह की सुविधा प्रदेश के अन्य जिलों में भी शुरू की जाएगी। ऐसे में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को एजेंसी की गाड़ी पर ही बैठकर टेस्ट देना होगा। ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि बिहार परिवहन विभाग दिसंबर तक राज्य के सभी जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनवाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब बिहार सरकार प्रदेश के 20 बड़े जिलों में 75-75 लाख रुपए देगी, वहीं छोटे जिलों में 50-50 लाख रुपए की राशि जो है आवंटन की गई है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी, साथ ही साथ इसमें पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। जब हम आप ट्रैक पर गाड़ी को ड्राइव करते जाएंगे तो जाँच की परीक्षा भी होगी। यह मैनुअल के बजाय स्मार्ट तकनीक के माध्यम से की जाएगी। ऐसे में परीक्षा जो है वो कैमरे की निगरानी में ली जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। आपको यह भी बता दें कि गाड़ी चलाते समय आपके हर उस गतिविधि को ध्यान में रखा जाएगा जिससे कि अंक मिलता है, जैसे कि आपको आगे ले जाना हो या फिर पीछे लाना हो, दाएं बाएं करना हो, इन सभी में आपको जो है अंक दिए जाएंगे। अगर आप इन सभी को करने में असमर्थ हैं तो फिर आपके जो है उसके हिसाब से जो है नंबर काटे जाएंगे। ऐसे में आप ड्राइविंग में फेल भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से ड्राइविंग स्कूल की भी खोले जाने की बात कही गई है। यह गाड़ी सीखने वालों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि जब आप गाड़ी का लाइसेंस बनवाने के लिए जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी तरह के किराया देने की बात कही गई है, क्योंकि वह जो किराया है वह बिहार सरकार परिवहन विभाग को देगी। उसके बाद जो एजेंसी ऑथराइज होगा वह जो है वो आपको गाड़ी मुहैया कराएगी। उसके बाद बिहार सरकार जो है उसे सीधे उसके खाते में जो है पैसे डाल देगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर जो है एक नया नियम सामने आया है, जिसमें अब आपको जो है किसी प्रकार की कोई भी गाड़ी यानी दो चक्का या फिर चार चक्का जो है वाहन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।